हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, हेल्पफुल लॉसर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप एटीएम कार्ड यूज़ करते हैं, चाहे वो चिप वाला हो, चाहे बिना चिप वाला हो, चाहे वो किसी भी बैंक का हो, तो आपके लिए लेटेस्ट अपडेट जो निकल कर आ रहा है यहां पर आप देख सकते हैं। भूल कर भी ना करें ऐसा, आपका ईवीएम चिप वाला एटीएम कार्ड हमेशा के लिए हो सकता है डैमेज। तो दोस्तों, क्या कुछ है इस लेटेस्ट अपडेट में जानने के लिए ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये अपडेट जानने के बाद आपको कोई मुश्किल नहीं होगी आगे। और पैसा निकालने में अगर ये आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो आपका सच में एटीएम बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप एक लाइक कर देंगे तो वीडियो को बढ़ावा मिलेगा और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो मैं आगे भी लाता रहूंगा। तो यहां पर टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, अगर भूल कर भी ये कर दी गलती तो आपका एटीएम कार्ड हो सकता है डैमेज। तो क्या गलती कर दी दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि एटीएम मशीन में नए अपडेशन हो चुके हैं। नए अपडेशन कैसे हुए हैं ये भी आपको बताना चाहता हूं। नए अपडेशन ऐसे हुए हैं कि पहले आप स्वाइप करके पैसे निकाल लेते थे, मतलब एटीएम कार्ड मशीन में डाला, उसके बाद निकाल लिया और पैसे अमाउंट भर के एटीएम पिन डाल के आपने पैसे निकाल लिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन जब से ईएमवी चिप वाले एटीएम कार्ड आ चुके हैं, तब से एक प्रॉब्लम ये हो गई है कि अगर आप एटीएम कार्ड से पैसे निकालने जाते हैं तो वहां पर अगर आप स्वाइप करते हैं एटीएम कार्ड को, तो वहां पर एक वार्निंग लिख के आती है कि आपको कार्ड अपना लगा हुआ छोड़ देना, उसी के अंदर तभी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अगर आप बार बार कार्ड अंदर बाहर करेंगे, यानी कि मशीन से बार बार निकालेंगे, बार बार उसको स्वाइप करने की कोशिश करेंगे, तो आपका एटीएम कार्ड डैमेज हो चुका है, क्योंकि ईएमवी चिप वाले जो कार्ड हैं वो अब लगे हुए ही ट्रांजैक्शन हो पाएंगे। मतलब मशीन में आप पैसे निकालने गए तो कार्ड को लगाना है, उसके बाद ट्रांजैक्शन पूरा करने के बाद ही कार्ड को मशीन से निकालना है। दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी आपको शायद नहीं होगी, दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये जानकारी आपको थी या नहीं थी। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।